आज छत्तीसगढ़ विधानसभा पर द्वितीय पर्याय मतदान बाकी 70 आसन पर भोटिंग द्वितीय पर्याय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव सहित 8 मंत्री 4 सांसद सहित 958 जन प्रार्थी भाग्य परीक्षा होगा। तेज 22 जिले में यह 70 आसन पर 827 जन पुरुष 130 जन महिला और जन किन्नर निर्वाचन रणांगण में भाग्य परीक्षा कर 1,63,14,479 भोटर यह पर्यायर मताधिकार सब्यस्त करेंगे। 70 निर्वाचन मंडल में मोट 18,833 पोलिंग बुथ्र व्यवस्था कर द्वितीय पर्याय निर्वाचन पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर नवेम्बर 7 तारीख में प्रथम पर्याय भोटिंग होता नक्सल प्रभावित 20 आसन पर होता मतदान नवेम्बर 7 में होता प्रथम पर्याय भोटिंग 78% मत सब्यस्त करते सेपटे मध्यप्रदेश 230 आसन पर आज होोटिंग मोट 25,33 प्रार्थी निर्वाचन लड़े एथपाई व्यापक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर। संपर्क अधिक सूचना पाई मेनपुरी रही प्रतिनिधि सुमित घंटर अच्छा। सुमित आज छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वितीय पर्याय निर्वाचन 70 आसन पर हम भोटिंग केमी रही सब व्यवस्था निहाती देखंतु आम वर्तमान जो मेनपुर अंचल अच्छा छत्तीसगढ़ जो मेनपुर अंचल मुझे गोटे कथा कही रखा चाहे जो अंचल माओवादी विभिन्न समय बर्बरता देखा माओ से स्थिति जाहिर करओगढ़ में आज निर्वाचन होगा जाऊँगी। मुझे कैमेरा पर्सन को अनुरोध करी से दृश्य देखिए जो कौली भाव में सब व्यवस्था कर इलेक्शन तो निर्वाचन जितेबले समय सीमा रही सका 8 घंटू 5 घंटा पर्यंत किंतु वर्तमान माओगढ़ जो लोक मैंने अच्छा पूरा पूरी एक्साइटेड अच्छा माओ रर न थी आग को आोट दवाप बर्तमान देखुवे प्रबल भिड़ बर्तमान लोक मैंने ये आसिकी सतटारू आसिक प्रबल भिड़ लगे भोट दवा एक्साइटेड अच्छा सीधा सड़क सहित आलोचना करवा सर पहले तो आपको स्वागत है। जो माओ इलाका में आप जो वोट देने के लिए आए हो डर नहीं लगता है? नहीं सर नहीं नहीं डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि शासन प्रशासन की व्यवस्था है बहुत ही ज़्यादा चुस्त है और एक हमारा उत्सव है ये मतदान उत्सव। इस उत्सव में हमको बढ़ चढ़ के भाग लेना है और इस उत्सव को बढ़िया से मनाना है क्योंकि अगर हम उत्सव अच्छे ढंग से मनाएंगे तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। इसलिए हम निर्भीक निष्पक्ष मतदान करने के लिए यहाँ आए हैं जी। और क्या क्या सब व्यवस्था किया गया है आपने? व्यवस्था तो शासन की ओर से बहुत अच्छा किया गया है। यहाँ संगवारी बूथ बनाया गया है। संगवारी बूथ में यहाँ किसी भी मतदाताओं को किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगा। इस प्रकार से पूरा कर्मचारी लोग अपने स्तर पे सारी सुविधाएं का व्यवस्था किया गया है। लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है ये, इसलिए सभी मतदाता अपने उत्साह से यहाँ मतदान करने के लिए सुबह सभी आए हुए हैं ताकि अपन को लाइन लगने की आवश्यकता ना पड़े। लाइन बहुत ज़्यादा होगी इसीलिए सुबह से लाइन लगे हुए हैं। देखुले आउ जड़े वरिष्ठ नागरिक अच्छा सीधा सड़क एक्शन नवा सर कैसा लग रहा है आप सीनियर सिटीजन हो यहाँ पे आके जो इलेक्शन 5 साल में जो मौका मिल रहा है आपको ये जो इलाका है माओ का पूरा दबदबा यहाँ पे रहता है मैनपुर डिवीजन बोलने से इंडिया में हर जगह ये नाम पूरा माहिर है तो यहाँ पे वोट देना आपको कैसा लग रहा है 5 साल में जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है? लग रहा है सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या सब व्यवस्था पूरा व्यवस्था है हर चीज़ का व्यवस्था है शासन ने पूरा व्यवस्था करके रखा हुआ है। सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग निर्भीक होके यहाँ मतदान करने आए हैं कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। माओवादी एरिया जरूर लगता है लेकिन ऐसा अब पुलिस प्रशासन की इतनी व्यवस्थाएँ हो गई हैं कि उनका वो कमज़ोर पड़ने लगा है माओवादी भय खत्म हो गया है और शासन की तरफ से इतना अच्छा व्यवस्था किया है। बैठने की व्यवस्था देखिए आप पीछे लगा के देखिए इधर इतना अच्छा मतदान केंद्र बनाया गया है कि हम लोग भी ज़्यादा ही उत्सुक हैं मतदान करने के लिए। बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा बोलने से यहाँ पे जो लेडीज लोग रहते हैं जो यहाँ क्या क्या विकास हुआ है 5 साल का सरकार ने क्या क्या वादा किए हैं यहाँ पे? विकास तो खैर आते जाते रहते हैं हर प्रकार की सरकारें आती है अपना अपना विकास के वादा करती है और करने का प्रयास करती भी हैं और कुछ अधूरे भी रह जाते हैं। सबको देख रहे हैं और सबके हिसाब से अपना मतदान भी होगा और कोशिश करेंगे कि अच्छा मतदान हो। हम लोग तो ग्रामीण अंचल से देख के आए हैं रास्ता थोड़ा देख रहे हैं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है उस हिसाब से ये साल थोड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए? जी 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 चैलेंज तो है काफ़ी समस्याएँ कुछ जनता की समस्याएँ कुछ अधूरी रह गई हैं
और सरकार उस हिसाब से ध्यान दे के काम करती, पानी सड़क और कृषि के साधन की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई है, वो सबको व्यवस्था ध्यान देना चाहिए सरकार को, और उस हिसाब से काम करते तो ज़्यादा अच्छा होता, कहने का मतलब। महिला का मुद्दा कुछ? महिलाएं इधर तो अशिक्षित है थोड़ा सा, और चल रहा है कि हो जाए कि कुछ शिक्षित हो जाए, बच्चे लोग हैं नहीं, महिलाएं शिक्षित हों, आगे आए, शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, देखो क्या होता है। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।